हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल टेक थ्योरी एंड प्रैक्टिकल पर। और आज के हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं डीसी संट मोटर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, डीसी संट मोटर को किस प्रकार से ऑपरेट किया जाता है और उसके पैनल बोर्ड जो आपको दिख रहा है, इस पैनल बोर्ड की टोटली वायरिंग किस प्रकार से की जाती है और किस प्रकार से यहाँ पे ये जो मीटर लगे हुए हैं, आपको करंट मापनी है, वोल्टेज देखना है और यहाँ पे जो रियोस्टेट लगा हुआ उसका क्या कार्य है, यहाँ पे जो स्टार्टर लगा हुआ है इसका क्या कार्य है, इन सभी के बारे में, मतलब टोटली इस पैनल के बारे में और डीसी संट मोटर को हम आपको सलाह के बताने वाले हैं कि किस प्रकार से ये मोटर यहाँ पे रन की जाती है। तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास में जो डीसी संट मोटर का पैनल है उसमें यहाँ से, आप सबको पता है कि यहाँ से सप्लाई दी जाती है, यहाँ पे डीसी मोटर है तो हम इसको डीसी सप्लाई देंगे। हालांकि अभी जो हम दे रहे हैं मेन सप्लाई वो एसी सप्लाई दे रहे हैं और उसके बाद में यहाँ पे डबल पोल हमारे पास में एमसीबी लगी हुई है। उसके बाद में आगे की साइड में जाए तो यहाँ पे इंडिकेटर एक लैंप लगा हुआ है जिससे कि हमें पता चलेगा कि यहाँ पे सप्लाई इस पैनल में आ रही है या फिर नहीं आ रही है। उसके बाद में आप सबको पता है यहाँ पे जो मीटर लगे हुए हैं, यहाँ पे तीन मीटर आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला जो मीटर है वो डीसी वोल्ट मीटर है जो कि यहाँ पे कितने वोल्टेज आ रहा है वो वोल्टेज को यहाँ पे इंगित बताएगा हमें। और आप सबको भी पता है कि यहाँ पे जो वोल्ट मीटर होता है वो समांतर में लगाया जाता है। उसके बाद जो एसी, जो डीसी का ए मीटर है वो ए मीटर श्रेणी के अंदर में लगाया जाता है। यहाँ पे ए मीटर दो लगे हुए हैं तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ए मीटर दो लगाने का कारण यह है कि हमारे पास में जो डीसी संट मोटर होती है तो संट मोटर के अंदर दो वाइंडिंग होती है, एक फील्ड वाइंडिंग होती है, दूसरी आर्मेचर वाइंडिंग होती है। तो फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में हमने एक मीटर लगाया हुआ है ए मीटर और दूसरा हमने आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में दूसरा ए मीटर लगाया हुआ है। यानी कि अगर हमें टोटली अगर करंट मापना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ए मीटर के अंदर जितनी करंट आ रही है उनको दोनों को जोड़ेंगे, उसके बाद में टोटल हमें करंट पता चलेगा। यानी कि दोनों मीटर है वो एक आर्मेचर वाइंडिंग दूसरी फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में संयोजित किए गए हैं। उसके बाद में आपको जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है रियो स्टेट, और आप सबको पता है कि मोटर डीसी जो मोटर होती है, डीसी मोटर में जो गति कंट्रोल करना होता है वो बहुत आसान होता है उसमें, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे जो डीसी संट मोटर हमारे पास में है उसकी गति कंट्रोल करने के लिए हमने एक रियोस्टेट लगाया है जो कि फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। तो फील्ड वाइंडिंग के जब श्रेणी क्रम में रियोस्टेट लगाते हैं तो वहां पे फील्ड नियंत्रण विधि कहलाती है। तो यहाँ पे इससे क्या होता है, इस विधि में जो सामान्य गति है उससे अधिक गति हम प्राप्त कर सकते हैं, ये इस विधि का फायदा होता है, ठीक है ना। तो ये जो हमारे पास में रियोस्टेट है वो फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और उसके बाद में यहाँ पे जो आपको स्टार्टर दिख रहा है वो थ्री पॉइंट स्टार्टर है। आप सबको पता है कि जो हमारे पास में डीसी संट मोटर है उस डीसी संट मोटर को स्टार्ट करने के लिए फोर पॉइंट स्टार्टर या फिर थ्री पॉइंट स्टार्टर का यूज लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में जो थ्री पॉइंट स्टार्टर है तो उसकी जो संरचना वगैरह होती है उसके बारे में भी मैंने आपको पहले वाले वीडियो के अंदर बताया है। और यहाँ पे फिर से आपको बता देता हूं कि यहाँ पे जो हमारे पास में थ्री पॉइंट स्टार्टर है, इस साइड में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे ओएलसी कॉइल लगी हुई है और यहाँ पे एनवीसी कॉइल लगी हुई है। तो यहाँ पे एनवीसी कॉइल का काम होता है हैंडल को जकड़ के रखना और ओएलसी कॉइल का कार्य होता है जब निर्धारित मान से अधिक करंट आ जाए तो उस करंट से सुरक्षा करने के लिए हमने यहाँ पे ओएलसी कॉइल का यूज किया है। और ओएलसी कॉइल के नीचे की साइड में यहाँ पे कॉन्टेक्ट पॉइंट दे रखे हैं जो कि यहाँ पे एनवीसी कॉइल को शॉर्ट करके यहाँ पे हैंडल को ऑफ स्थिति में लेके आती है। ये भी हम आगे आपको बताएंगे किस प्रकार से यहाँ पे ये ऑपरेट होता है। उसके बाद में आप सबको पता होगा कि यहाँ पे हम जो स्टार्टर यूज करते हैं उस स्टार्टर यूज करने का कारण क्या है, तो आप सबको पता होगा कि शुरुआत के अंदर है ना हमारे मोटर के अंदर बैक ईएमएफ शून्य रहता है, शुरुआत के अंदर बैक ईएमएफ शून्य रहता है। और दूसरी कंडीशन ये रहती है कि जो हमारे पास में आर्मेचर वाइंडिंग होती है उस आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस बिल्कुल कम यानी कि एक ओम के बराबर होता है। तो दो कंडीशन रहती है, एक तो आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध कम होता है, दूसरा हमारे पास में शुरुआत में जो बैक ईएमएफ होता है विरोधी ईएमएफ बोलते हैं या फिर उसको काउंटर ईएमएफ भी बोलते हैं। तो ये जो ईएमएफ जो विरोधी ईएमएफ होता है, आरोपित जो ईएमएफ यानी कि जो हम सप्लाई दे रहे हैं वो आरोपित ईएमएफ का जो विरोध करता है ना उसे हम विरोधी ईएमएफ बोलते हैं। तो शुरुआत के अंदर विरोधी ईएमएफ कम होगा तो कम होने के कारण क्या होगा, मोटर के अंदर अधिक करंट जाएगी जिसके कारण हमारी मोटर की जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो जलने की संभावना रहती है, इसलिए हम इस स्टार्टर का यूज करते हैं।
और इस स्टार्टर के अंदर जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो पूरा आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में यूज होता है। जब श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो आप सबको पता है कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा इसका मतलब क्या होगा, यहां पे करंट कम हो जाएगी। तो शुरुआत के अंदर करंट कम देते हैं मोटर को, यहां पे रेजिस्टेंस पूरा होता है ज्यादा, और धीरे धीरे इस रेजिस्टेंस को कम करके हम क्या करते हैं, तब तक यहां पे मोटर के अंदर बैक ईएमएफ भी वहां पे उत्पन्न होने लग जाता है। इस प्रकार से ये मोटर की सुरक्षा करता है। और दूसरी बात, ये तीसरी कंडीशन ये रहती है कि जब मोटर के अंदर जब निर्धारित मान से अधिक करंट आती है तो उससे भी सुरक्षा करती है हमारी ऑयल चेक वाल्व है। अगर निर्धारित मान से अधिक करंट आएगी, माना कि अगर 10 एम्पियर मोटर ले रही है, 10 एम्पियर से 15 एम्पियर अगर मोटर में जा रही है, इसका मतलब उस समय मोटर जलने की संभावना रहती है। उस समय हमारे पास में जो ओएलसी कॉइल है वो एक्टिव होकर यहां पे अपने आप मोटर को यहां पे बंद कर देगी, ठीक है ना, ट्रिप कर देगी। तो इस प्रकार से हमारे इस स्टार्टर का यूज करने का कारण था। यहां पे जैसे कि यहां पे मैंने एक डायग्राम बनाया है, इस प्रकार से पूरे पैनल के पीछे की साइड में जो वायरिंग की हुई है वो इस प्रकार से यहां पे की गई है। सबसे पहले जैसे कि यहां पे अगर आप देखते हो तो यहां पे फेज न्यूट्रल यानी कि सिंगल फेज सप्लाई यहां पे दे रखी है डबल पोल एमसीबी में, और उसके बाद में ये सीधी सप्लाई है ना ये इंडिकेटर में जा रही है, ठीक है ना। तो यहां से हमें यहां पे इंडिकेट हो जाएगा कि इसमें सप्लाई आ रही है कि यहां पे नहीं आ रही है पैनल के अंदर। और उसके बाद में जो हमारे पास में एसी सप्लाई आपको दिख रही है, इस इंडिकेटर से हमने लेके सीधी यहां पे जो हमारे पास में जो डिजिटल वोल्ट मीटर और डिजिटल ए मीटर और ए मीटर दे रखे है ना, इन तीनों के अंदर हमने क्या किया है, यहां पे सप्लाई को दिया है। कौन सी सप्लाई दी है हमने, एसी सप्लाई दी है। और उसके बाद में यहां से एसी सप्लाई को लेके यहां पे हमने बनाया एक ब्रिज रेक्टिफायर, जो कि आपको पैनल पे नहीं दिखेगा, पैनल के पीछे की साइड में यहां पे ब्रिज रेक्टिफायर लगे हुए हैं। और ब्रिज रेक्टिफायर का काम क्या होता है, आप सबको पता है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। और ब्रिज रेक्टिफायर सीआर डायोडों के माध्यम से बनाया जाता है। यहां पे जैसे कि सीआर डायोड लगे हुए हैं, और इस प्रकार से आपको एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाना है, और उसके बाद में एसी सप्लाई देके यहां से डीसी सप्लाई उत्पन्न हो जाती है। और ये जो डीसी सप्लाई है वो सीधी यहां पे वोल्ट मीटर में जाएगी। आप सबको पता है कि वोल्ट मीटर समांतर क्रम में लगता है, तो इस प्रकार से दोनों यहां पे सीधे हमने वोल्ट मीटर के अंदर दिए हैं। और वोल्ट मीटर का जो फेज मतलब डीसी का जो प्लस सिरा था, पॉजिटिव सिरा, उस पॉजिटिव सिरे को हमने सीधा यहां पे जो हमारे पास में थ्री पॉइंट स्टार्टर है, उस थ्री पॉइंट स्टार्टर के यहां पे एल सिरे के अंदर दे देते हैं। एल सिरे के अंदर यहां पे जो पॉजिटिव सिरा था वो दे दिया, और उसके बाद में जो नेगेटिव सिरा था हमारे पास में, उस नेगेटिव सिरे को हमने सीधा यहां पे जो मोटर के चार सिरे आ रहे थे, जैसे कि एक आर्मेचर वाइंडिंग है और दूसरी फील्ड वाइंडिंग है, तो दोनों दो वाइंडिंग होने के कारण यहां पे चार सिरे आपको दिखाई देंगे, जैसे कि एक आर्मेचर का दूसरा यहां पे आर्मेचर का दूसरा सिरा है, और फील्ड वन और फील्ड यहां पे टू आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो यहां पे एक आर्मेचर का सिरा और दूसरा फील्ड वाइंडिंग का सिरा, दोनों को कॉमन करके यहां पे हमने जो हमारे पास में नेगेटिव सप्लाई आ रही थी उसको यहां पे दिया हमने, ठीक है ना। उसके बाद में जैसे कि आपको मैं सर्किट डायग्राम के माध्यम से बताऊं, जैसे कि हमारे पास में संट मोटर थी, तो संट मोटर के अंदर एक आर्मेचर वाइंडिंग और एक होती है हमारे पास में फील्ड वाइंडिंग। ये दोनों वाइंडिंग जो है आपस में समांतर क्रम में लगती है। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, जो हमारे पास में पॉजिटिव सिरा था वो हमने सीधा स्टार्टर के अंदर दिया, यहाँ पे स्टार्टर न होने के कारण हमने सीधा यहाँ पे मोटर के अंदर दिया है। और जो हमारे पास में नेगेटिव सिरा था वो आपको मैंने अभी बताया कि एक आर्मेचर का सिरा और एक फील्ड वाइंडिंग का सिरा, दोनों को कॉमन करके वहां पे दिया है। तो यहाँ पे भी देखना कि जैसे कि हमारे पास में नेगेटिव सिरा है, उसको एक आर्मेचर का एक फील्ड वाइंडिंग का सिरा दोनों को कॉमन करके यहाँ पे सप्लाई दी है, ठीक है ना। उसके बाद में जैसे ही आप आगे देखते हो, यहाँ पे जो फील्ड वाइंडिंग का एक सिरा है ना, जैसे सेकंड सिरा दोनों आर्मेचर का और फील्ड वाइंडिंग का दोनों को कॉमन किया था, लेकिन जो फील्ड वाइंडिंग का पहला सिरा है उसको हमने सीधा यहाँ पे रियो स्टेट के अंदर दिया है। जैसे कि रियो स्टेट फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, यहाँ पे भी मैंने बनाने की कोशिश की है। जैसे फील्ड वाइंडिंग हमारे पास में ही है और उसके श्रेणी क्रम में यहाँ पे रियो स्टेट लगाया है, तो यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग का एक सिरा सीधा यहाँ पे रियो स्टेट में आएगा और रियो स्टेट का एक सिरा सीधा यहाँ पे जाएगा इस ए मीटर के अंदर, डीसी का ए मीटर। मैंने अभी बताया था आपको कि जैसे हमारे पास में दो मीटर लगे हुए हैं ए मीटर, तो यहाँ पे दोनों का अलग अलग वर्क होता है। जैसे कि ये जो ए मीटर है ना, ये फील्ड वाइंडिंग में जितनी करंट जा रही है उसको मेजर करेगा, और ये जो ए मीटर है वो यहाँ पे आर्मेचर वाइंडिंग में जितनी करंट जा रही है उसको मेजर करेगा। तो यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग का एक सिरा यहाँ पे इस ए मीटर में आया, और उसके बाद में इसका वापस दूसरा सिरा यहाँ पे जो हमारे पास में स्टार्टर के जो तीन पॉइंट होते हैं, जिसमें कि एक एफ सिरा होता है, उससे साथ में
कनेक्ट होता है। उसके बाद में आगे की साइड में आप देखते हो यहां पे आर्मेचर का पहला सिरा होता है वो सीधा इस एमीटर के अंदर जुड़ता है और उसके बाद में अगला सिरा वापस सीधा यहां पे स्टार्टर के ए सिरे से कनेक्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एमीटर है ना वो आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। आप सबको पता है एमीटर श्रेणी क्रम में जुड़ता है और इस हिसाब से हमने आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में लगाया। इसका मतलब ये क्या मेजर करेगा, आर्मेचर वाइंडिंग में कितनी करंट जाएगी उसको मेजर करेगा। तो इस प्रकार से हमने रियोस्टेट लगाया जो कि फील्ड वाइंडिंग में जितनी करंट जा रही है उसको नियंत्रित करता है और मोटर की गति भी इसी के द्वारा यहाँ पे कंट्रोल होती है, कम ज्यादा इसके द्वारा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे पैनल की वायरिंग थी वो हमने आपको बताया। जैसे कि अभी हमने पैनल के पीछे की साइड में जाके आपको पूरी वायरिंग को बताते हैं। जैसे कि आप अगर पैनल के पीछे का व्यू देखते हो तो यहां पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिंगल पेज सप्लाई देते हैं यहां से, उसके बाद में डबल पोल एमसीबी यानी कि ये डबल पोल एमसीबी लगाई हुई है और यहां पे रेक्टिफायर जो बताया था ये रेक्टिफायर यहां पे लगा हुआ है। आप यहां पे सियार डायोड लेके भी रेक्टिफायर बना सकते हैं या फिर ये पूरा एक रेक्टिफायर बना हुआ आता है वो भी आप यहां पे लगा सकते हो। ठीक है, रेक्टिफायर के माध्यम से हमने यहां पे इस मीटर में भी सप्लाई दी है तीनों मीटर के अंदर। यहां पे एसी सप्लाई जो इंडिकेटर में जा रही थी वो एसी सप्लाई वापस इस मीटर के अंदर घूम के यहां पे तीनों मीटर के अंदर आ रही है, यानी कि इंडिकेटर से जो सप्लाई थी ना वो एसी सप्लाई तीनों मीटर में। और इन जो ये डिजिटल मीटर है इनके अंदर एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई दोनों यहां पे देने की आवश्यकता रहती है। और जैसे कि मैंने आपको यहां पे सर्किट में बताया था और जो हमारे पास में रियोस्टेट था वो रियोस्टेट यहां पे लगा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ये इसके ऊपर वाइंडिंग हो रखी है सिनीमिटी का, इसका बेस बना हुआ होता है और इसके ऊपर जो यूरेका वायर होता है उस यूरेका वायर की वाइंडिंग के द्वारा यहां पे एक रियोस्टेट बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में यहां पे आपको जो वाइंडिंग के सिरे है जो मोटर के सिरे यहां से कनेक्ट हो रखे है और स्टार्टर के सिरे यहां से जा रहे हैं। इस प्रकार से यहां पे हमने यहां पे पैनल के अंदर वायरिंग कर रखी है और अभी हम आपको मोटर को कंट्रोल करके आगे बताते हैं। अभी जैसे कि हम यहां पे इस पैनल को सप्लाई देके स्टार्ट करते हैं कि इसमें जो वोल्ट मीटर है कितना वोल्टेज मेजर करता है और करंट यहां पे कितनी मेजर करती है, किस प्रकार से आपको कंट्रोल करना है। यहां से हमने सप्लाई स्टार्ट करके यहां से एमसीबी को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो आपको देखना है ये जो वोल्ट मीटर है जितनी वोल्टेज आएगी उसको मेजर करवाएगा। जैसे कि 216 वोल्टेज आ रही है और करंट यहां पे अभी जीरो बताएगी क्योंकि करंट हमेशा लोड के ऊपर माध्यम करती है। जैसे ही हम लोड बढ़ाएंगे उसके बाद में करंट यहां पे इंगित करेगी। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास में थ्री पॉइंट स्टार्टर है उसको धीरे धीरे से आपको क्या करना है, यहां पे ऊपर की साइड में करना है आगे की साइड में। जैसे कि अभी जो स्टार्टर का जो हैंडल है वो ऑफ स्थिति में पड़ा है, धीरे धीरे हम इसको आगे करेंगे तो हमारी जो मोटर है वो रन होनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही धीरे धीरे आप आगे करोगे तो यहां पे जितनी आर्मेचर में करंट जा रही है यानी कि क्या हुआ, रेजिस्टेंस कम हो रहा है उसी प्रकार यहां पे करंट बढ़ रही है आर्मेचर। ये आर्मेचर वाइंडिंग में जितनी करंट जा रही है उसको मेजर कर रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस को धीरे धीरे घटा रहे हैं, रेजिस्टेंस को घटा रहे हैं, इसका मतलब करंट क्या होगी यहां पे बढ़ जाएगी। और जैसे ही हम इसको पूरी ऑन अवस्था में लेके आएंगे तो यहां पे एनवीसी लगी हुई है। एनवीसी का काम होता है कि इस हैंडल को जकड़ के रखना, जो कि यहां पे इस हैंडल को जकड़ के रख रही है। ठीक है ना, उसके बाद में यहां पे अगर आप देखते हो तो यहां पे ये रियोस्टेट लगाया हुआ है, ये मोटर की गति को कंट्रोल करने के लिए लगाया गया है। जैसे ही इसमें कम करेंगे तो यहां पे क्या होगा, यहां पे इसमें मोटर की गति कंट्रोल होगी, कम हो जाएगी, और अधिक करेंगे तो मोटर की गति यहां पे बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये रियोस्टेट का काम होता है। और काम एक यहां पे भी होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था जो ओएलसी कॉइल लगी हुई है, इस ओएलसी कॉइल के नीचे दो जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं ये एनवीसी कॉइल के दो पॉइंट होते हैं। जब यहां पे निर्धारित मान से अधिक करंट जाती है तो यहां पे ये दोनों पॉइंट ना आपस में शॉर्ट हो जाते हैं, यानी कि इस ओएलसी कॉइल क्या करती है, यहां पे जो लीवर दिख रहा है लीवर को ऊपर की तरफ खींचती है। जैसे कि ये लीवर जब ऊपर की तरफ जाता है तो यहां पे हैंडल अपने आप ऑफ स्थिति में आ जाएगा। जैसे कि इस प्रकार से जब ये दोनों आपस में शॉर्ट होते हैं नीचे की साइड में पॉइंट, उस वजह से यहां पे एनवीसी कॉइल के अंदर यहां पे चुंबक बनना समाप्त हो जाएगा, जिसके कारण ये हैंडल को अपने आप छोड़ देती है। तो मोटर को इस प्रकार से ओएलसी कॉइल सुरक्षा प्रदान करती है। तो इस प्रकार से आपको इस डीसी संट मोटर को कंट्रोल करना है। और वायरिंग कैसे होती है वो भी मैंने बताया।
तो अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।